प्रयागराज 12 में अंग्रेजी शराब की दुकान में रखी लगभग 50 पेटी अंग्रेजी शराब चोर ले गए। अपने साथ बारा थाना क्षेत्र के गन्ने में संचालित हो रही अंग्रेजी शराब की दुकान में बीती रात चोरों ने दुकान का शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान मालिक अवनीश जायसवाल के द्वारा बताया गया कि दुकान में लगभग 6 से 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब का स्टॉक था, जिसे चोर अपने साथ ले गए। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ सीसीटीवी कैमरे का सेटअप बॉक्स टीवी के साथ साथ दुकानदार के दुकान के काउंटर में रखे थोड़े बहुत पैसे भी समेट ले गए। सुबह जब सेल्समैन दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो उसके द्वारा देखा गया कि दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ है। वहीं संदेह होने पर सेल्समैन के द्वारा तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही प्रभारी निरीक्षक 12 को भी सीयूजी नंबर पर फोन करके सूचना दी। चोरी की घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक 12 के द्वारा जांच पड़ताल की गई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि घनी आबादी और बस्ती के बीच में संचालित हो रही दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को कैसे अंजाम दिया, जो पुलिस के लिए जांच का विषय है। ये आपकी दुकान में कुल कितने रुपए की शराब की चोरी हुई है? कम से कम 7 से 8 लाख के बीच में शराब हमारी चोरी हुई है। स्टॉक आपके द्वारा कब मंगाया गया था? स्टॉक हमारे तो अभी 22 तारीख 20 और 22 हमारा अप्रैल से अभी तक में 3 तारीख को आया है, 6 तारीख को आया है, 8 तारीख को आया है, 17 तारीख को आया है, 20 तारीख को आया है, 22 तारीख को आया है। लगभग शेष कितना स्टॉक रहा होगा? जितना हमारे पास 370 बोतल थे, 688 अड्डी और 3475 क्वार्टर। तो कितना बचा हुआ है, कितना अभी फिलहाल तो गिनती नहीं की गई है, लेकिन बचा हुआ बहुत कम है। लमसम हमारे अंदर तो करीब 100 पौआ या 150 करके बचा हुआ है। आप यहाँ सेल्समैन हैं? नहीं, मैं खुद मालिक हूँ दुकानदार दुकान।